Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our English literature lecture for class 3. Student, please you open your English literature copies. First you draw the margin lines. Mention the date, classwork and day on the top of the page. Then you write unit number 4 and the name of our topic is pothole. पॉटहोल मीन्स गढ़ा. उसके बाद बेटा आप लोगों ने अपने पेज को टू हाफ्स में डिवाइड करना है, यानी कि आपने सेंटर में लाइन लगानी है. एक तरफ आप लोगों ने लिखना है वर्ड्स और एक तरफ आप लोगों ने लिखना है मीनिंग्स. वर्ड्स मीनिंग्स यानी कि अल्फाज मायनी. टुडे वी आर गोइंग टू डू 10 वर्ड्स मीनिंग. हम लोग यहाँ पर 10 अल्फाज मायनी करने जा रहे हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद मी. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से बिल्कुल भी काम नहीं करना. यहाँ हम लोगों ने आपकी आसानी के लिए कि आप लोग क्लियरली देख सकें, हम लोगों ने पेन का यूज़ किया है. आप लोग पेन का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे और आप लोग अपनी पेंसिल से जैसे क्लास में काम करते हैं वैसे ही काम करेंगे. ओके, लेट्स मूव बैक टू आर वर्ड्स मीनिंग. आर फर्स्ट वर्ड इज़ ब्लेजिंग. ब्लेजिंग मीन्स शोला. आर सेकेंड वर्ड इज़ फाइनली. फाइनली मीन्स आखिरकार. आर थर्ड वर्ड इज़ ऑन कमिंग, यानी कि करीब आना. आर फोर्थ वर्ड इज़ स्वर्व. स्वर्व का मतलब है अचानक मुड़ना. आर फिफ्थ वर्ड इज़ गैपिंग, खला या शगाफ. सिक्स्थ वर्ड इज़ कंपोस्ट, सड़े पत्तों की खाद. सेवन्थ वर्ड इज़ शेल्टरिंग, पना. एट्थ वर्ड इज़ रैग्स, कपड़े का छोटा सा टुकड़ा. स्टक, अटकना. विक्टम, शिकार. नाउ वी हैव डन आर वर्ड्स मीनिंग. नाउ मूव टू आंसर द क्वेश्चन. सवाल का जवाब दें. आज हम लोग क्वेश्चन ए करने जा रहे हैं जो कि है व्हाट हैड हैपन्ड टू द कार दैट फाइजा सा फ्रॉम हर विंडो. उस गाड़ी के साथ क्या हुआ था जिसको फाइजा ने अपनी खिड़की से देखा था. एंड द आंसर इज It was stuck in the road and needed to have a tire changed. वो जो है वो अटक गई थी या फंस गई थी सड़क पर. रोड सड़क, स्टक फंसना. एंड नीडिड, और उसको ज़रूरत थी टू हैव अ टायर चेंज, टायर को तब्दील करने की. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज मीनिंग्स एंड क्वेश्चंस क्लियरली. स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर लर्न कीजिएगा, अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा. आगे बढ़ते जाओ, पढ़ना है, रुकना नहीं. अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स.